आज हम जन्माष्टमी के लिए घर पे ही बिना खोया, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर के बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी बासुंदी तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। बासुंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो दूध है वो नीचे चिपके नहीं। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल में ली है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप नॉनस्टिक भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, या तो फिर कोई भारी तलिए वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें। मैंने अभी यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। ये अमूल का गोल्ड दूध है। आप कोई भी फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम उबलने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम अभी मैंने फास्ट रखी है। फास्ट फ्लेम पर ही हम दूध को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से उबलने देंगे। दूध को हम बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि उसके ऊपर मलाई ना जमे। इस तरह बासुंदी बनाने में हमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और दूध को हमें उबालकर आधे से भी कम नहीं करना है। दूध को हम सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबलने देंगे। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करना है बासुंदी बनाने के लिए। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम थोड़ा सा केसर लेंगे और उसके अंदर जो हम दूध गर्म कर रहे हैं वो डालेंगे। केसर को इस तरह दूध में भिगोकर रखने से उसका बहुत ही बढ़िया कलर आता है। आज हम केसर पिस्ता फ्लेवर की बासुंदी बना रहे हैं, तो केसर को इस तरह से दूध के अंदर हम भिगोकर रखेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं फूड कलर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये बासुंदी हम भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं। अब हम एक मिक्सर जार के अंदर 1/2 कप काजू लेंगे और काजू को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त मिक्सर हमें कंटिन्यूस नहीं चलाना है, इस तरह से चालू बंद करके चलाना है और काजू को फाइनली ग्राइंड कर लेना है। जब आप काजू को इस तरह से ग्राइंड करेंगे तो आपके काजू इवनली ग्राइंड हो गए, यानी कि कोई छोटा या बड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा, एक समान वो इस तरह से दरदरा पाउडर जैसा हो जाएगा। इस तरह से हमें काजू का पाउडर बना लेना है। अब उसके अंदर हम जो दूध गर्म कर रहे हैं वो थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर से उसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि काजू की अच्छी पेस्ट बन जाए। आप चाहे तो काजू को थोड़ी देर पानी में भिगोकर भी पेस्ट बना सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने गर्म दूध डाला है और अब इसे हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। इससे हमारी बासुंदी बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी बनेगी। दूध अभी अच्छी तरह से उबलने लगा है तो गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देते हैं। साइड में जो इस तरह से दूध की परत जम रही है उसे भी हम इस तरह से निकालते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारी जो बासुंदी है वो बहुत ही गाढ़ी बने। अगर आपको इस तरह की दूध की परत बासुंदी में पसंद नहीं है तो जब दूध एक बार अच्छी तरह से उबल जाए तब आप एक बार इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला दे तो सारी जो परतें हैं वो दूध में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। दूध जब उबलकर थोड़ा सा कम हो जाए तब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। दूध को मैंने 10 मिनट के लिए उबाल लिया था। अब इसमें मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने से दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी, लेकिन जैसे चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी दूध फिर से गाढ़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो काजू की पेस्ट बनाकर रखी थी वो डाल देते हैं। काजू की पेस्ट डालते वक्त गैस की फ्लेम को आप स्लो कर दे ताकि वो नीचे चिपके नहीं और अच्छी तरह से दूध में उसे मिक्स कर ले। चम्मच से उसे इस तरह से प्रेस करते जाए और दूध में अच्छी तरह से मिला ले। अगर इस तरह से भी काजू की पेस्ट दूध में मिक्स नहीं हो रही है तो आप इसमें एक बार हैंड ब्लेंडर चला दे तो काजू की पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि काजू की पेस्ट दूध में मिलाने के बाद आपको दूध को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसे चलाते रहना है। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो काजू की पेस्ट नीचे चिपक जाएगी। जैसे जैसे काजू की पेस्ट दूध में पकने लगेगी दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होने लगेगी। काजू की पेस्ट डालने के बाद बहुत ही कम आँच पर उसे हम 5 से 7 मिनट के लिए और उबाल देंगे। काजू की पेस्ट अभी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो केसर वाला दूध साइड में रखा था वो डालेंगे। अगर आप चाहे तो इसके अंदर केसर का एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने अभी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है।
अभी हमारी बासुंदी उबलकर बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है, तो इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डालेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी हम केसर पिस्ता बासुंदी बना रहे हैं, तो केसर डाला है और बाद में हम पिस्ता की स्लाइस डालेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट बासुंदी भी बना सकते हैं अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डालकर। दूध अभी उबलकर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता रही हूँ नज़दीक से। अब ये गर्म है, ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा होगा और जब आप फ्रीज में रखेंगे तो उससे भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम पिस्ता की स्लाइस डाल देते हैं। पिस्ता की स्लाइस डालने के बाद हम उसे 1 से 2 मिनट रखेंगे और फिर गैस हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आता आप इसे चलाते जाएं ताकि उसके ऊपर मलाई की परत ना आ जाए। अगर आपको मलाई की परत पसंद है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी पहले से काफी गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम फ्रीज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने बासुंदी को 2 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा कर लिया था, तो आप देख सकते हैं कि फ्रीज में रखने के बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पहले से भी काफी गाढ़ी हो गई है। तो अभी हमारी क्रीमी और गाढ़ी बासुंदी बनके तैयार है, जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, मावा नहीं, कंडेंस मिल्क नहीं और मिल्क पाउडर भी नहीं। तो ये बासुंदी की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और रेसिपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं।